हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत है। मैंने वैसे भी आप लोगों को दो बार वीडियो बना के दिखाया था। वैसे भी बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं। जो पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। मैंने पहले भी जो भी श्री भगवती की मल्टी के बारे में जो बताया है उसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी अभी। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बताओ, उनको शेयर करो। जितने भी लोग हैं, कोई लाइक नहीं करता यार, लाइक ज़रूर करना चाहिए आपको। और अपने जो जो भी दोस्त हैं उनको बताओ। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। और ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप देखो समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, समझ में आता नहीं है और अच्छा नहीं लगता डिसलाइक भी ज़रूर करना। और जो भी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ पूरा आपके माइंड में बैठ जाएगा। और अब चलते हैं वीडियो की ओर। ये भगवती का पैनल है, यह फर्स्ट मशीन है और इधर इस साइड में दूसरा मशीन है। इधर बाहर आप देख रहे हैं कि मशीन अभी चल रहा है, रनिंग में है। और इधर ये देखिए, दो नंबर का मशीन इधर है और ये बाहर की साइड में अभी दोनों मशीन रेगुलर चल रहा है। तो आपको, आप बने रहे वीडियो में, आपको पूरा जानकारी दूंगा मैं वीडियो में। लेफ्ट राइट क्या है, हाइट का या क्या है, किसी ने बोला काउंटिंग कैसे डालते हैं, किसी का साइज नहीं दे रहा है, तो सब मैं बताऊंगा आपको। और अब मशीन को बाहर की साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए भी 13 कुछ लिखा हुआ इधर, लेटर भी 13। वैसे 14 ब्लेड का मशीन है ये। इसमें 75 या 72 का जो गैप है ब्लेड में रहता है, वही आपको इसमें नोटिस करना है। बाहर जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भी मैंने पानी बंद करके वीडियो शूटिंग किया बाहर की साइड से। ये इधर पीछे की साइड से है, ये बाहर की साइड से चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो 14 ब्लेड है उसमें गैप है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और ऊपर से पूरा डाउन आ रहा मशीन। और अभी इसमें पानी चालू करके आपको पीछे से दिखा देता हूँ। अभी आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, और जो पहले से देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता फिर। ये देखिए मशीन क्या है कि अभी थोड़ा बाहर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। जैसे 1000 था तो मैं इसको 1100 था, इसको 1000 कर दिया हूँ मशीन। अभी देखना आप, बाहर की साइड में ज़्यादा आ रहा है तो अभी कम आएगा। तो मशीन का जो बाहर काउंटिंग है उसको आप ऐसे डाल सकते हो। ऐसे पूरा वीडियो मैंने बना रखा 10 ब्लेड का, तो सेम ही है इसके अंदर, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो लेफ्ट राइट का तो यही है। और ये देखिए अभी फिर भी ज़्यादा आ रहा है तो इसको 100 mm कम किया है। और ये 900 मैंने डाल दिया है। तो ये दोनों मशीन क्या है कि दोनों का जो है अलग अलग सेटिंग्स है, दोनों का एक माइनस में जो है साइज ले रहा है, एक प्लस में ले रहा है। तो आप दोनों में कन्फ्यूज मत होना। अभी मैंने 900 डाला तो मशीन पूरा ब्लॉक के साइज़ के सिर्फ देख या 2 इंच बाहर आके वापस रिटर्न हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ही आपको सेटिंग करना है। ऐसा नहीं कि आप अगर ऑपरेटर है तो उसको समझ में आ जाता डायरेक्टली, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ही समझ में आएगा। ये देखिए अभी मेन के अंदर भी चल रहा है। और ये जो सेमी ऑटो, ऑटो फुल ऑटो करने का सिस्टम है, इसमें पासवर्ड डाल के करना पड़ता है। इसका वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है। XYZ का सेटिंग है, इसका पासवर्ड डाल के बताना पड़ता है, मुझे अभी बताना नहीं है। और ये मेंस है जिसमें हम जो लेफ्ट राइट में साइज के साइड में लेना वो डालना है, और जो हाइट का है, डेप्थ का है, वो डालने का है। जो ये लिखा है टोटल स्लैब हाइट, यहाँ पे आपको हाइट डालना है। लेकिन इससे पहले आगे आपको दिखाया जाएगा कि आपको जीरो कहाँ पर करना, जेड को जीरो करने के बिना आप उसको हाइट को नहीं डाल सकते। अभी ये जो लेफ्ट राइट का काउंटिंग है, इसमें जिस साइड में साइड ले रहा है उस साइड में हमेशा ध्यान रखना, मशीन का जो काउंटिंग है 1400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। किसी किसी मशीन में तो 1100 के बाद भी साइज नहीं लेता, लेकिन वो मशीन पे डिपेंड करता है उसका लेंथ है, जो ब्रिज का लेंथ है कितना है। और F7 में ये जो है पूरा का पूरा अलार्म का शो कर रहा है, अलार्म है जो इसका हिस्ट्री शो कर रहा है, कब मशीन में प्रॉब्लम आया था, कब नहीं आया था। और इसका जो एम्पायर है 140 तक का है लास्ट का, और RPM है 1000 RPM तक मशीन चल रही है। अभी फुल स्पीड में चल रही है, अंदर से आपको दिखा देता हूँ। किसी किसी मशीन का क्या कि जो अंदर का जो AC ड्राइव होता है उसमें 65 तक का इसका स्पीड रहता है, लेकिन इस मशीन में अभी 50 का ओनली 50 का दिखा रहा है। अभी आप देख सकते हैं दोनों मशीन, इसका मेन मोटर का और जो DC का, दोनों का 50 स्पीड है। ये जो सारा जो MCB है, इसमें एक MCB ख़राब हो गया था, हमने चेंज कर दिया, वो इसलिए उल्टा है, जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने उल्टा लगा दिया था। और जितना भी इसमें वायरिंग है पूरा एकदम से ओके, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो हाइट का है, हाइट का मैंने आपको बताया था, तो हाइट में जैसे 10 ब्लेड का दिखाया था सेम वैसा ही है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा आपने अभी इसमें वो चीज़ नहीं देखा कि इसमें जेड को जीरो कैसे करते हैं। तो आपको इसी वीडियो में आपको सब जानकारी मिलेगा, वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। अभी मैं बाहर की साइड में आ गया हूँ, ये पूरा प्लांट दिखा रहा हूँ आपको। इधर ये इधर पत्थर सेटिंग हो रहा है, इधर सिंगल पर ड्रेसिंग हो रहा है। ये बाहर से है, ये जो एक नंबर मशीन है उसका है कि ये लास्ट तक कटिंग कर रहा है, तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर लास्ट में जाकर भी दिखाऊंगा आपको।
ये देखिए अभी पूरा कटिंग हो रहा है, ये फर्स्ट वाला कट अभी कंप्लीट हुआ है, 250 पे हमने कंप्लीट किया था। वो क्यों किया था इसका रीजन मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको एक बार देखने के बिना समझ में नहीं आएगा इसमें बिल्कुल भी। अभी मशीन लास्ट तक आ रहा है, तो इधर कहाँ तक आ सकता है। एक तो क्या है कि किसी किसी मशीन में जो पत्थर है वो सेटिंग करने के टाइम है, जब ब्लॉक मशीन के ऊपर सेटिंग कर देते हैं इसको आगे की तरफ ज़्यादा कर देते हैं, वो मशीन पत्थर पे डाउन आने लगती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मशीन को इससे आगे नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अभी देखिए आप, ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में देखना आपको मशीन कितना तक आ सकता है। ऐसा नहीं कि मशीन ऊपर टच हो रहा है इसको नीचे काउंटिंग बढ़ा जाए, काउंटिंग बढ़ा दोगे तो मशीन इधर आके रुक जाएगी और यहीं रुक जाएगी। और ये अभी हमारा 900 तक की काउंटिंग चल रहा है, क्योंकि पत्थर सिर्फ 10 फीट का है, ये 12 फीट 11.5 फीट तक का कटिंग कर देती है आराम से। बस ऑपरेटर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहा है पीछे से मैं भी दिखा रहा हूँ तो ऐसे समझ में नहीं आता। जो नॉर्मल ऑपरेटर है जो कुछ जानता है तो उसको पूरा समझ में आएगा, और जो कुछ नहीं जानता है उसने अभी तक मशीन नहीं देखा ऐसे वीडियो देखने से उसको समझ में नहीं आएगा। और पहली बार देख रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और चैनल को और किसी दोस्त के साथ शेयर भी करना, और कभी भी काम करे कुछ भी करे तो अपनी जिम्मेदारी के साथ सीखना। अभी दोनों मशीन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जान रहा हूँ यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो पहले से जान रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि कोई दूसरा ऑपरेटर हो जिसको कुछ नॉलेज नहीं है। फिर से पैनल के अंदर आ गया हूँ, पैनल में आपको दिखा देता हूँ कि जो अभी काउंटिंग ले रही है एक्स्ट्रा काउंटिंग मशीन बाहर आ रही है पूरा। ये अभी चल रही थी हमारी 2650 तक आएगी काउंटिंग बार, जो लेफ्ट राइट मशीन अभी साइज ले रही है। तो आप देख सकते हैं मशीन बाहर की साइड में आ रही है, और अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मशीन ने कितना हाइट में मतलब गैप लिया है, मतलब कि एक्स्ट्रा कटिंग कितनी डाली गई थी जिसकी वजह से मशीन ने अभी जंप ऊपर उठी है। मशीन ऊपर उठती है ना, जैसे मैंने इसको दबाया मशीन ऊपर जा रही है, ऊपर जाके कितना उठी आपको पहले स्क्रीनशॉट देख के आपको देखना है इसमें कितना गई है। तो यही आपको जानना है, जैसे कि 10 ब्लेड में अलग होता है और 14 ब्लेड में अलग होता है। तो 14 ब्लेड में क्या होता है, कम से कम 80 mm उठाना पड़ता है, और 10 ब्लेड में 110 से 105 mm उठाना पड़ता है। और दूसरा सेगमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सेगमेंट कितना क्या है क्या नहीं है। सब कुछ जानने के बाद ही आपको ये काम करना है। एक्स्ट्रा कटिंग इसमें 35, उससे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं कम डालोगे तो ज़्यादा टाइम लेगी, और ज़्यादा डालोगे तो सेगमेंट तोड़ देगी। तो इसमें 35 तक आता है, एक बार खाली मशीन चला के देखना, क्योंकि दोनों का गैप सेम होना चाहिए, 80 mm होना चाहिए कम से कम, और उसमें 75 आता है तो आपका 35।